आज पूरे देश में राम मंदिर की लहर है। राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का सपना अब पूरा होने जा रहा है, इसलिए हर भक्त बढ़ चढ़कर दान भी दे रहा है, जिसकी बदौलत अभी तक 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का दान मंदिर से जुड़ी संस्था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में आ चुका है। हर व्यक्ति ने अपनी अपनी क्षमता और आस्था अनुसार दान किया है। राम सेतु बनते समय जो भगवान राम एक गिलहरी द्वारा किए गए छोटे से श्रम दान को भी बराबर का महत्व देते हैं, उसी प्रकार राम मंदिर के लिए प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किया गया छोटा सा दान भी अपना महत्व रखता है। इसलिए यह वीडियो तुलना के लिए नहीं, मात्र आपको जानकारी देने के लिए बनाई गई है। जरा सोचिए, कौन होगा वह व्यक्ति जिसने राम मंदिर में सबसे अधिक धन राशि दान की होगी? जवाब में आपके दिमाग में कई चित्र घूम रहे होंगे, जिनमें बड़े बड़े नेताओं और बिजनेसमैन की तस्वीरें होंगी। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप यहां गलती कर रहे हैं, क्योंकि राम मंदिर में सबसे अधिक धन राशि देने वाला कोई नेता या बिजनेसमैन नहीं, एक राम भक्त संत है। राम कथा कहने वाले ये संत कोई आम संत नहीं, ये वो संत हैं जो राम कथा की पहुंच को एक अलग ही स्तर तक ले गए। इन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया राम कथा को सरलतम भाषा में हर एक तबके समुदाय तक पहुंचाना, चाहे वह समुदाय कितना ही पिछड़ा या वंचित क्यों ना हो। उदाहरण के लिए, इन्होंने देश के कोने कोने में राम कथा तो सुनाई ही, साथ में अयोध्या में सेक्स वर्कर्स बुलाकर, उनके लिए तो कभी मुंबई में LGBT समुदाय के लिए रामकथा का आयोजन करवाया, यहां तक कि इन्होंने शमशान घाट में बैठकर भी रामकथा करवाई। जब इन्हें सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देश में रामकथा का अवसर मिला तो अबू धाबी के शेख भी खुद को जय श्री राम के नारे लगाने से ना रोक पाए। जय सियाराम। मित्रों, इतनी जानकारी के बाद अभी तक आप समझ गए होंगे कि मैं यहां पर किस संत की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं संत मोरारी बापू की, जिन्होंने एक बड़ी धन रही राम मंदिर के निर्माण हेतु दान की है। राम कथा करते हुए इन्हें आज 50 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। इनका लक्ष्य राम कथा के माध्यम से पूरे विश्व में करुणा और स्वीकार की भावना जागृत करना है। मोरारी बापू जी का जन्म आजादी से पहले 1946 में शिवरात्रि के दिन गुजरात में भावनगर के नजदीक एक गांव में हुआ। इन्होंने अपना ज्यादातर बचपन अपने दादा, जो उनके गुरु भी थे, स्वर्गीय त्रिभुवन दास और दादी अमृतमा की देखरेख में बिताया। उनकी दादी उन्हें कई तरह को लोक कथा सुनाती, जिनमें रामकथा मुख्य थी। इसी के चलते ये कथाएं मन में बस गई। इसी के फलस्वरूप मात्र 14 वर्ष की आयु तक इन्होंने संपूर्ण रामचरितमानस को याद कर लिया। इसके बाद इसी छोटी सी आयु से इन्होंने जगह जगह राम कथा का पाठ और गायन प्रारंभ कर दिया, जो कि अभी तक जारी है। आज ये कई देशों में राम कथा का पाठ कर चुके हैं। अगर आप ऐसी और भी वीडियोज देखना चाहते हैं तो हमारे साथ ऐसी ही बने रहें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्णा।